मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। चचेरी बहन से प्यार हुआ और माँ को ये रिश्ता नामंजूर था, जिसके बाद चचेरी बहन और बेटे ने मिलकर माँ को मौत के घाट उतार दिया और अब ये दोनों तलाकों के पीछे पहुँच गए हैं। आपको बता दें, ये पूरा मामला भिवंडी के नारकोली का है। दरअसल पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार कृष्णा यादव और उसकी गर्लफ्रेंड बबीता यादव, जो कृष्णा की चचेरी बहन लगती थी, दोनों के बीच में प्रेम संबंध था। मगर चचेरी बहन होने की वजह से कृष्णा की मां अमरावती यादव को अपने बेटे का ये रिश्ता नामंजूर था और आखिरकार अमरावती की गला घोटकर हत्या कर दी गई। इस हत्या को लूटपाट का रंग देने की कोशिश भी की गई, मगर पुलिस ने 58 साल की अमरावती यादव के गले पर निशान पाया, जिसके बाद पुलिस को शक हुआ। और कृष्णा यादव बबीता यादव से जब पुलिस ने पूछताछ की तो दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया कि इन्हीं लोगों ने अमरावती यादव की गला घोटकर हत्या की है। हालांकि पुलिस ने अभी इस पूरे मामले में दोनों को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेज दिया। ये ऐसा है, 20/9/22 को कृष्णा यादव नाम के व्यक्ति ने हमारे 112 नंबर पर कॉल करके बताया कि वो घर में आ रहा था तो गेट पे उसको 4-5 लोगों ने रोका और रोक के उससे उसके तरफ से वैलेट और उसका मोबाइल छीनने की कोशिश की। तो वो आवाज़ सुनकर उसकी मम्मी भी उधर वहाँ पे आ गई। मम्मी का वो 59 ईयर्स है, उन्होंने भी उसको हेल्प किया तो उसमें वो झटापटी में उसकी मम्मी को एक्सपायर हो गई और उसको भी मार लगा। उसके बाद में पुलिस वहाँ पर स्पॉट पर पहुँच गई। पुलिस ने वहाँ पर पूछताछ की और इसको भी थोड़े सख्ती से पूछताछ करने के बाद में इसने गुनाह कबूल किया कि मैंने मम्मी को मारा, क्योंकि उसकी जो कज़िन सिस्टर है दूर की, बबीता यादव, उसके साथ उसके प्रेम संबंध थे और वो प्रेम संबंध में मम्मी राड़ा डाल रही थी, तो वो उसको टालने के लिए और मम्मी का जो अटकाव था वो टालने के लिए मम्मी का खून कर दिया और फिर बॉडी बना बना के रास्ते पर ला कर रख दी थी। कितने सालों से संबंध था ऐसा? ये 2 सालों से उनका संबंध था। पहले मम्मी ने उसको परमिशन दिया था, लेकिन बाद में कुछ कारण से वो मम्मी ने उसको उसको छोड़ने के लिए बोला था और उसको यहाँ अपने घर से निकाल दो, ऐसे मम्मी रोज़ ताना लगाती थी, इसलिए इसने परेशान होकर उसका मर्डर कर दिया और बॉडी रास्ते पर ला के रख दी और बनाव बनाया कि मैंने मुझे बचाने के लिए मम्मी आ गई तो मम्मी मर गई है। कितने दिनों की कस्टडी मिली है दोनों? ये दोनों को 30/9/2022 तक पुलिस कस्टडी मिली है।